IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार जीत हासिल की है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार IPL खिताब जीता है। इस दौरान माही के फैंस की खुशी देखने लायक रही। फैंस के अलावा महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी भी खुशी से फूले नहीं समाई और बेटी के साथ धोनी को गले लगाकर बधाई देने लगी। वहीं जब साक्षी ने माही को गले लगाया और वो जीत के जश्न में डूबी हुई थी तो लोगों द्वारा ऐसे कयास लगाए गए कि वो प्रेग्नेंट है और माही के घर जल्द ही दूसरा नया मेहमान आने वाला है। वैसे सोशल मीडिया पर चेन्नई के चौथी बार चैंपियन बनने के तो चर्चे हैं, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर साक्षी की प्रेगनेंसी की खबरें भी वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों में कहा जा रहा है कि धोनी की पत्नी साक्षी प्रेग्नेंट है और जल्द ही उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। जी हाँ, IPL 2021 फाइनल के बाद की खबरों की माने तो धोनी अब दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। खैर, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के बारे में आपको बताएं तो देहरादून की रहने वाली साक्षी ने 4 जुलाई 2010 को धोनी के साथ शादी रचाई थी। उस समय साक्षी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी और ट्रेनी के तौर पर कोलकाता में ताज बंगाल होटल में काम कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी और पूर्व भारतीय कप्तान धोनी बचपन से एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों के पिता रांची में एक ही फर्म में काम करते थे। साक्षी और धोनी कोलकाता में करीब 10 साल बाद मिले थे और 2 साल की दोस्ती के बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। साल 2015 में साक्षी और महेंद्र सिंह धोनी एक बेटी के माता पिता बने। उनकी बेटी का नाम जीवा है, वो अभी 6 साल की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को UAE में खेले गए इस मुकाबले में चेन्नई ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 192 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। इसके बाद अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कोलकाता को 9 विकेट पर 165 रनों पर मात दी। हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।